सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। लोगों की चिंता से परेशान होकर अपना रास्ता ना बदलना, क्योंकि सफलता शर्म से नहीं साहस से मिलती है। उदय किसी का भी अचानक नहीं होता, सूर्य भी धीरे धीरे निकलता है और ऊपर उठता है। धैर्य और तपस्या जिनमें है वही इस संसार को प्रकाशित कर सकता है। दीपक बोलता नहीं, उसका प्रकाश स्पर्श देता है। ठीक उसी प्रकार आप अपने बारे में कुछ ना बोलें, अच्छे कर्म करते रहें, वही आपका परिचय देंगे। आज का पंचांग 21 अप्रैल 2023 दिन शुक्रवार, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि सुबह 8:29 तक रहेगी। इसके उपरांत द्वितीय तिथि प्रारंभ हो जाएगी। भरणी नामक नक्षत्र रात्रि 10:59 तक रहेगी। इसके उपरांत कृतिका नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय सुबह 10:30 से 11:25 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय सुबह 11:52 से 12:53 तक रहेगा। आज चंद्रमा मेष राशि पर सुबह 5:02 तक रहेगी। इसके उपरांत वृषभ राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य मेष राशि पर रहेंगे। चंद्र दर्शन और चैत्र नवरात्रि की शुभकामनाएं। कन्या राशि 21 अप्रैल 2023 दिन शुक्रवार, आपको कोई अप्रत्याशित खुशखबरी मिलेगी। यह आपके करियर या निजी जीवन से जुड़ी हो सकती है। इससे आपको भविष्य में भी इसी प्रकार के लाभ उठाने का रास्ता दिखाई देगा। आप आज बहुत अच्छे मूड में हैं और आपकी आशावादिता और खुशमिजाजी से सभी प्रभावित होंगे। दोस्तों और परिवार के साथ आनंद लें। अगर आपको आध्यात्मिक विश्वासों पर अभी संदेह है तो कोई धर्म स्थान, दर्शन या लघु यात्रा आपके विश्वास को पुनर्जीवित कर सकती है। कानूनी मामले भी जल्द ही हल हो जाएंगे और धन मिलने की भी संभावना है। सौभाग्य का मजा लें, लेकिन अपने स्वास्थ्य को अनदेखा ना करके जोखिम भरे विकल्पों से बचें। साझेदारी सहयोग और कानूनी मामलों में ना पड़ाओ। साझेदारी सहयोग और कानूनी मामलों में नए पड़ाव नए मुकाम या दिशा बदलेगी। आज कुछ ऐसा होने वाला है जो आपके जीवन में परिवर्तन लाएगा। आपके नजदीकी लोग आपसे बहुत उम्मीद लगाए हुए हैं। गलतियों को आज नजरअंदाज करें। अपना तनाव दूर करने के लिए परिवार वालों की मदद लें, उनकी सहायता को खुले दिल से स्वीकार करें। अपनी भावनाओं को दबाएं और छुपाएं नहीं। अपने जज्बात दूसरों के साथ साझा करने से फायदा मिलेगा। सट्टेबाजी से फायदा हो सकता है। एक खुशनुमा और बढ़िया शाम के लिए आपका घर मेहमानों से भर सकता है। रोमांचक दिन है क्योंकि आपका प्रिय आपको तोहफे उपहार दे सकते हैं। कई कामों को छोड़कर आप आज अपने पसंदीदा कामों को करने का मन बनाएंगे, लेकिन काम के अधिकता के कारण आप ऐसा नहीं कर पाएंगे। आपको महसूस होगा कि शादी के वक्त किए गए सारे वादे अच्छे हैं। आपका जीवन साथी ही आपका हमदम है। आज आपका आत्मविश्वास कमजोर रह सकता है, इसका कारण आपकी खराब दिनचर्या है। दोस्तों के साथ मेल मुलाकात होगी, कोई असंभव काम पूरा होने से आप खुश रहेंगे। निजी मामलों का खुलासा बाहरी लोगों के सामने ना करें। कामकाज की रुकावटें दूर होगी। किसी व्यक्ति के साथ गहराई से हुई चर्चा के कारण मानसिक तकलीफ से गुजरना पड़ेगा। लोगों के साथ जब चर्चा हो रही हो तो वह विवाद में तब्दील ना हो, इस बात का ध्यान अवश्य रखें। आपको प्राप्त होने वाली प्रगति की चर्चा बाहर के लोगों के सामने ना करें। किसी व्यक्ति की नकारात्मक ऊर्जा का असर आप पर हो सकता है। काम संबंधित डेडलाइन में अचानक से बदलाव आ सकता है, इस कारण काम का तनाव महसूस होगा। रिलेशनशिप संबंधित चिंता छोड़कर खुद पर ध्यान देते रहें। बढ़ते हुए वजन की वजह से सेहत में बदलाव हो सकता है, सेहत का ध्यान रखना भी होगा। आज आपके लिए शुभ दिन हो सकता है, आप अपनी इच्छाओं को पूरा कर पाएंगे। आज आपको अनुकूल और लाभदायक परिणाम प्राप्त होंगे। किसी दोस्त या साथी के माध्यम से आय के अतिरिक्त स्रोत मिलने की संभावना भी है। नई परियोजनाओं को आरंभ करने या कोई नई व्यापारिक योजना शुरू करने के लिए ये बहुत अच्छा समय है। किसी भी व्यापारिक समस्या का हल निकालने के लिए खुले दिमाग से विचार करें। सावधानियां।
पड़ोसियों से झगड़ा होने की स्थिति बन रही है। शांति से समस्या सुलझाएं, गुस्से से स्थिति और बिगड़ सकती है। खर्चे बने रहेंगे, अपने बजट का ध्यान रखें। बात करते हैं लव लाइफ की। पति पत्नी के संबंध अच्छे रहेंगे। युवा वर्ग प्रेम संबंधों में पड़कर अपना समय खराब ना करें। विरोधाभासी ग्रहों की वजह से आज आप विपरीत दिशा में जा सकते हैं। आप एक निर्णायक निर्णय लेना चाहते हैं, लेकिन आप काफी सतर्क हैं और किसी भी तरह का असंतुलन नहीं चाहते। इन विरोधाभासी प्रभावों के कारण आपका प्यार का जीवन काफी दिलचस्प हो जाएगा। इन सब से आपको अपनी साथी या अपने रिश्तों पर एक सबक मिलेगा, जो कि आपको भविष्य के लिए योजना बनाने में मददगार साबित होगा। अपनी माता के स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना होगा और उनके साथ समय बिताएं। अगर प्रेम में कोई परेशानी है तो इस रिश्ते को रबड़ की तरह ना खींचें, बल्कि एक दूसरे को कुछ समय दें। वक्त हर घाव को भर देता है। सफर में दुर्घटना या सामान की चोरी से बचने के लिए सतर्क रहें। नए संबंध के लिए आज का दिन अच्छा है। आपके ग्रह गोचर बदल रहे हैं और यह बदलाव आपके दिन को रोमांचक बना देगा। बात करते हैं करियर की। आपके शिक्षक हमेशा से ही आपकी प्रेरणा रहे हैं और आज भी वो आपका मार्गदर्शन करेंगे। धन्य करियर के लिए आज के दिन आपके लिए ज्यादा बढ़िया नहीं है, इसलिए सोच समझकर कोई फैसला लें। नुकसान या कीमती सामान की हानि भी आज आपके कार्ड्स में है, इसलिए सतर्क रहें। आप किसी बड़े बदलाव को भी महसूस कर सकते हैं। उन लोगों के साथ समय बिताना ना भूलें जो आपके लिए धन का स्रोत है। याद रखें, अगर आप मेहनत करते हैं तो जीत खुद आपका पीछा करती है। आपके वित्तीय जरूरतों पर अनसोची व अप्रत्याशित मांगों की वजह से दिन परेशानी में रह सकता है। आपने अपने सभी बकाया राशि का भुगतान कर दिया है। यह सुनिश्चित करने के लिए अपनी सभी बिलों और अन्य दायित्वों की जांच करें। अनदेखे में निकट भविष्य में वह राशि बड़ी मात्रा में आपको परेशान कर सकती है। आपको कुछ पुराने कर्ज का भुगतान करना पड़ सकता है, जिसे आप भूल चुके थे। बिजनेस के कामों पर आपका पूरा कंट्रोल रहेगा। अपने बिजनेस की योजनाएं सीक्रेट रखें। आपके बिजनेस में काम करने का तरीका लीक हो सकता है। राजकीय सेवारत पब्लिक के साथ व्यवहार करते समय सावधानी रखें। बात करते हैं सेहत की। घर के बड़े और समझदार इंसान की सेहत को लेकर चिंता रहेगी। इस समय उचित देखभाल करने की जरूरत है। आप सामान्यतः सेहत का ध्यान रखते हैं, लेकिन आप पिछले कुछ समय से लापरवाही बरत रहे हैं। आज आपको जबरदस्ती खुद को बिस्तर से बाहर खींचकर व्यायाम में लगाना होगा। आपके लिए भविष्य में काफी कुछ है और आप उसका फायदा केवल तभी उठा पाएंगे जब आप स्वस्थ होंगे। आप अपना फिटनेस कार्यक्रम घर से शुरू कर सकते हैं। आज का उपाय। आज आप माता लक्ष्मी जी को सिंगार चढ़ाएं, शुभ रहेगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।